नमस्कार दोस्तों, स्वादिष्ट व्यंजन में आपका स्वागत है। आज हम चिली गुआवा बनाएंगे। उसके लिए हमने एक बड़ा सा अमरूद लिया है। यहाँ पर हम एक विशेष प्रकार का मसाला बनाएंगे। इसके लिए हमने नमक स्वाद के अनुसार लिया है, हींग लिया है, एक जो छोटी चम्मच है, एक छोटी चम्मच हमने मिर्ची ली है, जीरा लिया है। इसे हम सबसे पहले पीस लेते हैं। मसाला हमने बारीक पीस लिया है, ये इस तरह का हो गया है। इस अमरूद को हमने अच्छी तरह से धोकर पोंछ लिया था। अब हम इसको इस तरह से काट लेते हैं। इसका गूदा हम निकाल कर बाहर कर लेते हैं। इसे खोखला कर लेंगे। यहाँ पर हमने सारा गूदा निकाल कर बाहर कर लिया है, ये इस तरह का हो गया है। ढक्कन है, इसे भी हम थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं। इसके टुकड़ों को हम पीसने में डाल देंगे। इस पल्प को हम पीस लेते हैं। इस पल्प को हम एक मिक्सर जार में डाल लेते हैं। 2 चम्मच चीनी डाल लेंगे, आधी छोटी चम्मच नमक डाल लेते हैं, ये काला नमक है, थोड़े से आइस क्यूब डाल लेते हैं। ये पीने में ठंडा ही पीना चाहिए, जिससे ये स्वादिष्ट लगता है। अब हम इसे पीस लेते हैं। हल्का सा इसमें पानी डाल लेते हैं। अमरूद के पल्प को हमने पीस लिया है, अब हम इसे छान लेते हैं। इसे छानने से इसके बीज और ये छोटे छोटे टुकड़े हैं वो निकल जाएंगे। अमरूद के पल्प को हमने छान लिया है, इस तरह से बीज वगैरह निकल गए हैं। ये हमारा पल्प बनकर तैयार है। अब हम सबसे पहले इस मसाले को एक प्लेट में डाल लेंगे और इसे हम इस तरह से कर लेंगे। और अमरूद को भी हम इसी तरह से कर लेते हैं। इस मसाले को आप एयर टाइट डब्बी में डालकर रख दीजिएगा, 6 महीना भी खराब नहीं होता है। इस मसाले को आप ककड़ी के साथ, टमाटर के साथ या और किसी भी फ्रूट के साथ खा सकते हैं। इस पल्प को हमें स्ट्रो से या चम्मच से नहीं खाना है, इसी तरह से हमें पीना है, इस तरह से उठाकर पीना है। हमने यहाँ पर चिली गुआवा की रेसिपी बनाकर तैयार कर ली है। ये पीने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे आप बीच बीच में खाते रहिए और जूस को पीते रहिए। इसे भी हमें खाना है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। ये पीने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप हमारी तरह से एक बार चिली गुआवा रेसिपी बनाकर देखिए और अपने अनुभव कॉमेंट बॉक्स में डालिए। रेसिपी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।